ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। क्या आप जानते हैं कि ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन पीपल वृक्ष के नीचे नहीं जाना चाहिए? तो सुनिए, माता लक्ष्मी नारायण भगवान से कहती हैं कि आपने तो एक दिन पूजा का फल बता दिया कि शनिवार के दिन जो भी व्यक्ति पीपल वृक्ष में दूध चढ़ाएगा, मिष्ठान का भोग लगाएगा, लक्ष्मी नारायण स्वयं उसके घर में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन भगवान महादेव ने 7 वार बनाए हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। आपने तो एक दिन अपना बना लिया, लेकिन बाकी के दिनों में अगर कोई व्यक्ति पीपल वृक्ष के आएगा तो यहाँ तो दरिद्रता बैठी रहती है, तो उसका क्या होगा? तब भगवान नारायण ने कहा, दरिद्रता से अगर कोई भी मनुष्य पीपल पेड़ के नीचे आता है और उसके हाथ में कोई भी सामग्री है तो उसके घर में प्रवेश मत करना। और शास्त्र अनुसार नियम यही है कि जब भी पीपल वृक्ष के नीचे जाएं तो एक लोटा जल ही लेकर जाना या शक्कर लेकर जाना वहां पर चींटियों को डालने के लिए, या आटा ले जाओ, पर खाली हाथ पीपल वृक्ष के नीचे मत जाओ, क्योंकि खाली हाथ अगर पीपल वृक्ष के नीचे जाओगे तो दरिद्रता तुम्हारे घर में प्रवेश कर जाएंगी। इतना सब सुनते ही दरिद्रता नारायण से कहती है कि प्रभु आपने अपनी मनमानी की, लेकिन एक दिन मुझे भी अपना चाहिए। तब भगवान नारायण ने कहा, बोलो कौन सा दिन चाहिए? तब दरिद्रता कहती है, रविवार का दिन। इस दिन पीपल वृक्ष के नीचे मैं दिन भर नृत्य करूंगी, इसमें ही रहूंगी, और जो यहाँ रविवार को आएगा मैं उसके घर में प्रवेश कर जाऊंगी। तब भगवान ने तथास्तु कह दिया। और नियम भी यही है कि रविवार का दिन एक ऐसा दिन रहेगा जिस दिन पीपल के वृक्ष के नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर जाने से दरिद्रता घर में प्रवेश कर जाती है। उस दिन भगवान पीपल वृक्ष में नहीं रहते। हर हर महादेव।